हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेज. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर इंग्लिश ग्रामर बुक. सो एट्थ चैप्टर प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस मीन्स परसर्ग. देखिए, जो प्रीपोजिशंस जो वर्ड है ये टू वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. प्री प्लस पोजिशंस. प्री मीन्स पूर्व, पोजिशंस मीन्स स्थिति. तो प्री पोजिशंस की जो स्थिति होती है ये पूर्व में होती है. किसके पूर्व में होती है? नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है. पूर्व मीन्स पहले. तो प्री पोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है. ओके, देखिए डेफिनेशन. ए प्री पोजिशन इज द वर्ड दैट लिंक्स नाउन एंड प्रोनाउन विद अनोदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ए प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज द वर्ड. प्रीपोजिशन वह शब्द होता है दैट लिंक्स नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को विद अनोदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के दूसरे भाग के साथ में जोड़ता है. लिंक्स मीन्स जोड़ता है. तो प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को वाक्य में किसी दूसरे भाग के साथ में जोड़ता है. इट इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन. प्लेस्ड मीन्स रखा जाता है. इट मीन्स इनका यूज किया जाता है बिफोर द नाउन और प्रोनाउन. संज्ञा और सर्वनाम के पहले इनका उपयोग किया जाता है. ओके, देखिए कुछ प्रीपोजिशंस यहाँ दिए हुए हैं. अंडर, ओवर, इन, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू. देखिए, इसमें आपको ये पिक्चर्स दी हुई हैं. लुक्स एट दिस पिक्चर अबोव यू कैन सी डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ए माउस. द वर्ड्स ऑन, ओवर, अंडर, इन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमोंग, ईटीसी आर प्रीपोजिशंस. देखिए, इसमें कुछ ये माउस हैं, इनकी आपको कंडीशंस पोजिशंस दिखाई गई है और इनके साथ में प्रीपोजिशन कैसे यूज होगा. देखिए, अंडर प्रीपोजिशन है. अंडर मीन्स होता है नीचे. तो नीचे के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अंडर प्रीपोजिशन यूज करते हैं. जैसे ये माउस है, ये इस बॉक्स के नीचे आ रहे हैं, तो इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? अंडर. तो अंडर द माउस आर अंडर इन द माउसेज आर अंडर इन द अंडर द बॉक्स. तो जो चूहे हैं वो बॉक्स के नीचे हैं. ओवर, ओवर मीन्स ऊपर. तो देखिए, ये जो माउस हैं, चूहे हैं, ये इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? उछल कूद कर रहे हैं. तो गति कर रहे हैं और इनसे थोड़े ऊपर है कि उछलते हैं कूदते हैं, बिल्कुल स्थिर इनके ऊपर नहीं बैठे हैं. तो इनकी उछलती हुई कंडीशन दिखाई गई है बॉक्स के ऊपर. तो ओवर मीन्स ऊपर ही होता है, लेकिन वो थोड़ा गतिमान होता है, तो उसके लिए ओवर यूज करते हैं. इन, इन मीन्स होता है में या अंदर. तो देखिए, ये जो माउस हैं ये इस बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं. तो देखिए, जब अंदर बैठे हुए होते हैं बिना किसी हलचल के, गति के, तो उसके लिए हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं. ओके, फोर है ऑन. ऑन मीन्स होता है ऊपर. यदि कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु के बिल्कुल ऊपर बैठी हुई है, उसको टच करते हुए बिल्कुल शांत बैठी हुई है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑन. ओके, इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने. किसी एक वस्तु के सामने कोई दूसरी वस्तु है, या फिर एक के सामने कोई दूसरा. इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने. जब एक वस्तु के सामने कोई दूसरी होती है तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं. जैसे ये माउस है, ये बॉक्स के सामने है जस्ट, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ. बिहाइंड मीन्स पीछे. तो ये माउस है, ये बॉक्स से पीछे है, तो देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे बिहाइंड प्रीपोजिशन. नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू मीन्स होता है अगला. तो देखिए, ये आगे या फिर अगले जो माउसेज हैं, ये बॉक्स के आगे चल रहे हैं. तो देखिए, इसके लिए, इसके आगे हैं ये, तो इनके लिए नेक्स्ट टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे. ओके, लेट मी ट्राई. क्वेश्चन है, अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इसमें आपको जो निम्न सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से प्रीपोजिशंस अंडरलाइन करनी है. तो इनको आपको बुक में भी फिल करना है और नोटबुक में भी वर्क करना है. तो नोटबुक में देखिए कैसे करेंगे.
क्वेश्चन लिखना है आपको और आंसर लिख के आप उसमें क्या लिख देंगे अंडर, सेकंड है सेकंड का क्वेश्चन लिखा और आंसर करके उसमें प्रीपोजिशन कौन सा है ये इन, तो इन कर देंगे आप आंसर में। ओके, इस तरह से आपको नोटबुक का वर्क करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आई फाउंड माई पर्स अंडर द टेबल। देखिए मैंने मेरी पर्स कहाँ मिली मुझे, टेबल के नीचे, अंडर। अंडर इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है, तो अंडर को हम अंडरलाइन कर देंगे बुक में और नोटबुक में करना है हमें आंसर में अंडर करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन द किटन इज इन द बास्केट। इन इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है, आंसर हम क्या करेंगे इन। ओके, थर्ड द बॉय जंप्ड इनटू द वेल। इनटू क्या है इसमें, प्रीपोजिशन है, देखिए जंप्ड कूद रहा है, वो गति कर रहा है और कुएं के अंदर जा रहा है, तो अंदर जाने के लिए इन होता है, लेकिन इसमें जंप गति कर रहा है तो इनटू प्रीपोजिशन यूज होगा। फोर पेंगुइन्स लिव इन द साउथ पोल। देखिए इन, इन मीन्स मे, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे और इसे नोटबुक में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन में इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव रीता इज प्लेइंग विद मारिया। इसमें प्रीपोजिशन क्या है, विद है, तो इसमें अंडरलाइन करेंगे विद के नीचे। सिक्स द चिल्ड्रन वर ईटिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। ड्यूरिंग क्या है इसमें, प्रीपोजिशन है, तो ड्यूरिंग को अंडरलाइन कर देंगे। सेवन द कप्स आर ऑन द टेबल। ऑन क्या है इसमें, प्रीपोजिशन है, ऑन को अंडरलाइन करेंगे। एट ही रोट द लेटर इन ग्रीन इंक। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इनको हम इसमें अंडरलाइन करेंगे। नाइन है द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। ऑन को है, प्रीपोजिशन है, ऑन मीन्स ऊपर, ऑन को क्या कर देंगे अंडरलाइन। टेन द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर। ओवर मीन्स ऊपर, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है, ओवर को अंडरलाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले आपको करनी है चैप्टर एट की ये डेफिनेशन करनी है आपको, उसके बाद में आपको करना है इसमें लेट मी ट्राई क्वेश्चन करना है। ओके, क्योंकि इसके टाइप्स आपको दिए हुए नहीं है इसमें, और इसमें एग्जांपल के लिए आप कर सकते हैं, ये कुछ जो प्रीपोजिशन आपको दिए हुए हैं ये आप एग्जांपल के लिए कर सकते हैं इसमें। ओके, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। ओके, थैंक्स।